दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में इंडिया का जो प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन से सभी इंडियंस एकदम नाखुश हैं। जी हाँ दोस्तों, हाँ बहुत लोग खुश भी है। खुश कौन है? न्यूजीलैंड वाले, जो कि इंडिया के साथ मैच जीता है उस दिन। खुश कौन है? पाकिस्तान, जो कि इंडिया के साथ मैच जीता है। जी हाँ दोस्तों, अभी बहुत लोग ये कह रहे हैं और कुछ ऐसे सोर्स सामने आ रहा है जिन लोगों का दावा है कि ये मैच नहीं पूरा सीरीज ही फिक्स्ड है और साथ साथ में इसमें BCCI ऑफिशियल्स भी शामिल है। तो क्या है क्या नहीं है, मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे पॉइंट जिससे आपको लगेगा कि टीम इंडिया अभी फिक्सिंग में जुड़ा हो सकता है। इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा स्पोर्ट्स टाइम इंडिया में ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों, अगर T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कोई टीम T20 का दावेदार था, यानी T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए दावेदार था, और वो था टीम इंडिया, और उसके बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड। लेकिन दोस्तों, आप हालत देखिए टीम इंडिया की, लग रहा है सुपर 12 का कोई भी टीम के समानता नहीं होता है टीम इंडिया के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो इससे ही कुछ पॉइंट सामने आ रहा है, और सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बैट्समैन। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के साथ मैच खेला गया है इंडिया के, और इंडिया के कोई भी बैट्समैन अभी तक ठीक ठाक रन बना नहीं पाए हैं। हाँ, विराट कोहली पहले मैच में यानी पाकिस्तान के साथ रन बना है, लेकिन बाकी कोई भी बैट्समैन, जब आप कह सकते हैं टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, कोई भी बैट्समैन ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है। हाँ, बैट्समैन नहीं, बैटर। जी हाँ दोस्तों, तो एक मैच में एक बैटर जो है वो अच्छा नहीं खेला तो ठीक है, लेकिन दूसरे मैच में वो अच्छा खेल सकता है। अच्छा, उस मैच में भी अच्छा नहीं खेला, ठीक है, लेकिन सभी बैट्समैन दो मैच में बैक टू बैक अच्छा नहीं खेलता है तो एकदम यहाँ पर सोचने वाली बात आ जाता है। और सबसे पहले जो आता है वो क्या है, वो है ओपोनेंट की बैटिंग। या दोस्तों, ओपोनेंट टीम में बैटिंग जैसा होता है मानो सुभान अल्लाह, कितना अच्छा बैटिंग हो रहा है। पाकिस्तान के मैच में एक भी विकेट नहीं गिरा था, और न्यूजीलैंड के मैच में सिर्फ 2 विकेट गिरा था, और मैच अपने हाथ पे। तो दोस्तों, दूसरा नंबर है टीम सिलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, 15 मेंबर्स में जो टीम सिलेक्ट किया जा रहा है वो खराब टीम सिलेक्ट किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक या दो खिलाड़ी को इधर उधर कर सकते थे, लेकिन वो हार्दिक पांड्या, उनको हर बार लिया जा रहा है और वे ठीक ठाक नहीं खेल पा रहे हैं। आउट ऑफ फॉर्म होने के साथ साथ वो पर्सनली इंजर्ड है, जहाँ पर उनका जो बॉलिंग है वो बॉलिंग खराब है, बैटिंग खराब है, मतलब सब कुछ खराब है, लेकिन वो फिर भी टीम में है। तो दोस्तों, अभी तीसरा पॉइंट जो है वो मेन टीम सिलेक्शन, जो 15 मेंबर के सिलेक्शन जो BCCI की ओर से किया गया है, वहां पर ही सबसे मेन गलती हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग फॉर्म में थे उनको नहीं लिया गया, जो लोग आउट ऑफ फॉर्म है उनको लिया गया, और यहाँ पर एक्सक्यूज क्या दिया गया, एक्सक्यूज दिया गया है एक्सपीरियंस। दोस्तों, युजवेंद्र चहल जो कि IPL में अच्छा बॉलिंग किए थे, उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन उनको नहीं लिया गया। श्रेयस अय्यर अच्छा बैटिंग कर रहे थे, शिखर धवन अच्छा बैटिंग कर रहे थे, या फिर आप नए खिलाड़ी को भी ले सकते थे, वेंकटेश अय्यर, हर्षल पटेल, आवेश खान, ऋतुराज गायकवाड़, प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस था, लेकिन किसी को लिया ही नहीं गया, या कि रेगुलर मेंबर शिखर धवन को ड्रॉप किया गया। तो यहाँ पर कोहली भी कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि कोहली भी टीम चयन का एक हिस्सा हुआ करता है, लेकिन अब क्या फायदा, टीम इंडिया ऑलमोस्ट सेमीफाइनल से बाहर है। दोस्तों, चौथा पॉइंट जो है वो होगा बॉलिंग। दोस्तों, जो बॉलर्स है शमी, बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, ये तीनों के तीन मेन बॉलर जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है। हाँ, बुमराह अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो भी वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले अच्छे फॉर्म में नहीं थे। जडेजा भी ठीक ठाक से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बॉलर्स भी ठीक ठाक एक साथ क्यों काम नहीं कर रहे हैं। बैट्समैन तो बैट्समैन, बॉलर भी काम नहीं कर रहा, मतलब सभी जगह पर लूप हॉल है, सभी जगह पर। अब जिस जगह पर जाएंगे उसी जगह पर बैट्समैन को आप देखेंगे चौका ही नहीं मार पा रहे हैं, 5-5 ओवर तक सिर्फ एक चौका, और ओपोनेंट की टीम जब बैटिंग करते हैं हर ओवर में चौका और छक्का, और साथ साथ में पांचवें पॉइंट देखेंगे तो घटिया फील्डिंग। जी हां दोस्तों, फील्डिंग में कैच मिस, फील्डिंग मिस, मतलब हर एक जो नेगेटिव चीजें हैं वो टीम इंडिया के अंदर पे है, और ये टीम देकर T20 वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब देख रहे हैं 140 करोड़ लोग, मतलब हद है। और बहुत सारे ऐसे दिग्गज व्यक्ति हैं जो कि कह रहे हैं कि टीम इंडिया को ऐसे वेस्ट मत करो, वो जब अच्छे खेलते तब अच्छा है, लेकिन अभी खराब फॉर्म चल रहा है तो क्यों गाली दोगे। अरे भाई, 140 करोड़ में सिर्फ 15 लोग तुम्हें चांस मिला है, और तुम लोग एंसरेबल हो, ये इंडिया की बात है, तुम्हारे घर की बात नहीं है। और साथ में आप देख सकते हैं अंपायरिंग। जी हाँ दोस्तों, अंपायरिंग में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, अंपायरिंग में बहुत सारे गलत डिसीजन लिया जा रहा है, यहाँ तक कि थर्ड अंपायर जो टीवी अंपायर है वहां पर भी कॉल बहुत खराब लिया जा रहा है। और यहाँ पर ही वे लोग IPL खेले हैं जो लोग अच्छा फॉर्म में थे, जैसे KL राहुल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, कोई भी ठीक ठाक से नहीं खेल पा रहा है। ऋषभ पंत भी बहुत अच्छा फॉर्म में था IPL में, विराट कोहली, रोहित शर्मा, मतलब कोई भी खेल नहीं पा रहा है। एक साथ में ऐसा खेल ना पाना ही इशारा किसी दूसरे को कर देता है। दोस्तों, BCCI की ओर से एक मेंबर से पूछताछ किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, उनके खिलाफ कुछ ऐसे बातें सामने आए हैं जिसे पूछताछ किया जा रहा है, तो किससे किया जा रहा है ये डिटेल में सामने नहीं बताया जा रहा है, लेकिन दोस्तों BCCI के अंदर में ही हो सकता है घपला।
और यूएई आप जानते हैं पैसों वाला देश है, वहां पर सट्टा मैच फिक्सिंग इजी बात है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में मैच फिक्स करके लोग दुबई भगते हैं और वहां पर ही हो रहा है T20 वर्ल्ड कप। दोस्तों आपको क्या लगता है, T20 वर्ल्ड कप फिक्स है या नहीं, मतलब टीम इंडिया की ओर से? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों, मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके तीखे तीखे कमेंट का।